This is the class of science for class 8 and the chapter is 1, that is agriculture. In previous classes we have already discussed about the process of agriculture, the process of sowing and use of manure and fertilizers. Now in agricultural practices, the next process or the next practice is irrigation. What is irrigation? जब हम बीज बो लेते हैं, जब उसमें मैन्योर डाल लेते हैं या फर्टिलाइजर डाल लेते हैं, तो फिर खेतों में पानी डालना पड़ता है. प्लांट्स को ग्रो करने के लिए पानी की भी जरूरत पड़ती है. तो कह सकते हैं कि स्प्रेडिंग ऑफ वाटर इन द फील्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, दिस इज कॉल्ड इरिगेशन. अब इरिगेशन बहुत पहले से हो रहा है क्योंकि खेती का तरीका तो बहुत पुराना है. तो पहले जो एंशियंट वे था जिसमें लोग पुली का इस्तेमाल करते थे, मतलब बाल्टी या ऐसा कोई बर्तन जो कुएं में या फिर जहाँ पे वाटर होता था वहां से लोग उसको पुली से खींच करके और खेतों में पहुंचाते थे, या फिर पंपिंग सेट से लोग इस्तेमाल करते थे, या फिर नहर के पानी को कैनाल वाटर को इस्तेमाल में ले आते हैं. तो ये सब ट्रेडिशनल तरीका है. आजकल लॉस ऑफ वाटर को बचाने के लिए कुछ मॉडर्न मेथड्स डेवलप किए गए हैं, जिसमें एक है स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम, जिसमें पाइप में जो होता है वो ऐसा पाइप होता है जिसमें बहुत सारे महीन छेद होते हैं और उस छेद के माध्यम से पानी जो है वो फवारे के रूप में खेत में फैलता है, इससे लॉस ऑफ वाटर कम होता है. तो ये कुछ तरीका इरिगेशन के हो सकते हैं. नाउ जब इरिगेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हम क्या लेते हैं, तो प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि हम खेतों में फसलों को बचाएं कैसे. तो फसलों को कई तरह से नुकसान हो सकता है, जैसे खरपतवार हो सकते हैं जो कि प्लांट्स के हिस्से के न्यूट्रिशन को खा करके यूज करके और प्लांट के ग्रो को अफेक्टेड करते हैं. उसी तरीके से बहुत सारे जो है वो इंसेक्ट्स होते हैं जो प्लांट्स को डैमेज करते हैं, पेस्ट होते हैं, फंगस होते हैं, चूहे रोडेंट्स होते हैं जो कि प्लांट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उनके ग्रोथ को डिस्टर्ब कर सकते हैं. तो एक तो हम करते हैं इसको मैनुअल वीडिंग, मतलब कि हाथ के द्वारा खरपतवार को हम निकालते हैं, जिसको हम लोग हो या खुरपी के माध्यम से हम लोग खेत में से घास को निकाल देते हैं. दूसरा हम करते हैं वीडिसाइड्स का इस्तेमाल, तो केमिकल का इस्तेमाल करके भी हम खेतों में से जो खरपतवार होता है उसको निकालते हैं. तो कुछ वीड्स का इस्तेमाल, वीडिसाइड्स का इस्तेमाल हम दे रहे हैं, 2,4-D, जिसको MCPA इसके अलावा पेस्ट के रूप में देखेंगे तो इंसेक्टिसाइड्स जैसे DDT एंड BHC, ये कुछ केमिकल होते हैं जो इंसेक्ट को मारते हैं, दीज आर कॉल्ड इंसेक्टिसाइड्स. इसी तरीके से फंगस को मारने के लिए हम कुछ केमिकल का इस्तेमाल करते हैं जिसमें सल्फर साल्ट, और कॉपर साल्ट का इस्तेमाल हम करते हैं. उसके बाद रोडेंट्स को मारने के लिए हम वारफिन का इस्तेमाल करते हैं. और जिंक फॉस्फेट का इस्तेमाल करते हैं. इसके बाद का जो स्टेप होता है उसमें तीन होता है, हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग एंड विनोइंग. पहले इसको समझेंगे. द कटिंग ऑफ क्रॉप्स यानी कि फसल को खेत में काटने की प्रक्रिया को हम लोग हार्वेस्टिंग कहते हैं. यह भी दो तरीके से हो सकता है, या तो मैनुअल हो सकता है, जैसे गांव में आप देखते होंगे लोग सीकल या हंसुए का इस्तेमाल करके फसलों को काटते हैं. दूसरा है थ्रेसिंग, जब बंडल आ जाता है, जब जो फसल आ जाता है तो उसके बाद उसको थ्रेसिंग करी जाती है. थ्रेसिंग करने के लिए क्या करते हैं, मतलब थ्रेसिंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच वी कैन सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टेम, यानी कि जो भूसा में से हम अनाज को अलग कर लेते हैं उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं, जिसको थ्रेसिंग मशीन होता है जिसके द्वारा हम लोग इस्तेमाल करके और ये दाना अलग कर लेते हैं.
या मैनुअली भी करते हैं, गांव में लोग पीट करके या जानवरों को चला करके थ्रेसिंग करते हैं, लेकिन आजकल थ्रेसिंग मशीन के द्वारा इसको किया जाता है। और उसके बाद विनोइंग। विनोइंग में क्या होता है कि अनाज को भूसे से अलग करने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग विनोइंग कहते हैं। तो ये क्या होता है कि किसी चीज में, किसी बर्तन में लेकर के अनाज को अगेंस्ट द विंड हम उसको गिराते हैं, उसमें का जो स्ट्रॉ या जो भी उसमें का जो मटेरियल होता है वो हवा के साथ दूर निकल जाता है और अनाज नीचे रह जाता है। आजकल थ्रेसिंग मशीन में ये दोनों चीज कंबाइंड रहता है, यानी कि थ्रेसिंग में हो जाता है और विनोइंग भी हो जाता है, क्योंकि उसमें डैना लगा रहता है और वो तेज हवा से उसमें जो भी भूसा वगैरह होता है उसको बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रोसेस के करने के बाद आता है स्टोरेज। स्टोरेज में क्या किया जाता है कि पहले अनाज को एक टेम्परेचर पे गर्म किया जाता है ताकि उसके मॉइस्चर को कम किया जा सके, और फिर उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा करने के बाद फिर उसको हम लोग साइलो बैग में पैक कर देते हैं और उसको सुरक्षित रख देते हैं। तो ये प्रोसेस एग्रीकल्चर का रहा है। इसको आप नोट डाउन करेंगे और इनका डेफिनेशन अगर संभव हो सके तो इसको लिख लेंगे।